मैमूथ एनाकोंडा। ए मैड मैक्स, बहुत दिन हो गया। हमने तुमको $5 million दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन ला कर दोगे, लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 million वापस कर दो। मैं वही तो करने में लगा हूँ, दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ। मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए, डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे। मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा। ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निगल के यहाँ ले आएगा। मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है। मियाओ, बॉस, यू आर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। आप सच में जीनियस हो। ये देखिए, मैंने प्रेम सहाय के रोबोट की एक डमी बनाई है। अब एनाकोंडा रोबोट इसे पकड़ लेगा और हमें पता चल जाएगा कि एनाकोंडा रोबोट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे ये क्या? Sorry, boss. Mad Max is mad. Very, very mad. Timbuktu, उस डमी रोबोट को मेरे पास रखने की क्या जरूरत थी? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Sorry, boss. गलती हो गई। तो अब गलती की सजा भी भुगत। नहीं, नहीं, boss, boss. अब ये देखो मेरा शॉट, संभालो। अब इसमें क्या संभालूं? शटल कॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे। ओके। ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बाल बचा। ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है वो ठीक नहीं है। चड्डा अंकल, मेरी कार? ओए मेरी कार कहाँ गई? ये अचानक? अंकल हट जाओ जल्दी। अरे हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ कार कहाँ है? आखिर ये गायब कैसे हो गई? यही। अरे कोई मुझे निकालो। कार यहाँ है। इमली, वीर, भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। यहाँ से कोई मुझे निकालो यहाँ से। हाँ, मैड मैक्स बहुत चालाक है। उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है। ये लो एक्सरे विजन ग्लासेस, तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो,
फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है। अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू कहाँ हो तुम? तक दिना दिन दिन मैं हूँ जिन। कहो बॉस क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओ नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडास नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी जिंटू तो नाराज होकर चला गया, अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। वीर, तुम अगर जमीन पे चलोगे तो ये तुम्हें फिर से देख लेगा। तो फिर क्या करूं? अभी बताता हूँ। ये हैं जेट शूज, तुम इन्हें पहन के उड़ सकते हो। कुछ स्टेप्स जमीन पे भागो ताकि एनाकोंडा तुम्हें डिटेक्ट करके तुम्हारे पीछे आए। फिर हवा में उड़ जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके। समझ गए? थैंक यू दादाजी, समझ गया। ये लो रिमोट। जब तुम इसका ग्रीन बटन दबाओगे तो जेट निकल आएगा और तुम उड़ जाओगे। और जब तुम इसका रेड बटन दबाओगे तो ये जमीन पे उतर आएगा। रेड बटन दबाओ, रेड बटन। वो तुम्हें इन शूज की आदत नहीं है। जब हवा में हो तो बॉडी का बैलेंस करना होगा, वरना टेढ़े मेढ़े उड़ते रहोगे। ओके दादाजी। ओके वीर, अब जल्दी जाओ और इसे शहर से दूर ले जाओ। वीर, तुम हेल्प के लिए जिंटू को क्यों नहीं बुला रहे? अरे एक ही मुसीबत कम है क्या कि दूसरी मुसीबत को भी बुला लूं? डोंट वरी, मैं खुद इससे निपट लूंगा। जिंटू बचाओ हमें, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चुलबुल, बताओ क्या करना है? क्या तुम इससे एनाकोंडा का कोई इलाज कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से इलाज कर सकता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो जिंटू? जो तुमने कहा वही तो कर रहा हूँ। तुमने कहा इसका इलाज करो तो वही कर रहा हूँ। हे ऊपर वाले, जब आप अकल बांट रहे थे ये जिंटू सो रहा था क्या? अब जिंटू तुम जाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। जाओ 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 जाओ, चले जाओ, बाय। जब वापसी भेजना होता है तो बुलाते ही क्यों हो? जा रहा हूँ मैं अब, बार बार बुलाकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाल बाल बचा, बहुत डेंजरस है ये तो। बहुत भाग लिया, अब तेरे रुकने का टाइम आ गया है। बॉस के पास जा सकते हो बच्चे, गुड बाय। ये क्या किया वीर तुमने? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तो उसे दोबारा जिंदा करके छोड़ क्यों दिया? मैंने उसका कंट्रोल चेंज कर दिया है, अब वो मेरा नहीं अपने बॉस का शिकार करेगा।
वी, तुम नाम की ही नहीं सचमुच के वीर हो। लो आ गया मेरा एनाकोंडा रोबोट। मैड मैक्स इज ग्लैड 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 एंड ग्लैड। वेलकम एनाकोंडा। बताओ कहाँ है वीर? सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अब हमारा एनाकोंडा हमारा नहीं रहा, हमारी जान का दुश्मन बन गया है। भागो, बचाओ, बचाओ बॉस। मैड मैक्स इज मैड मैड मैड।